हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आइडियल मामा। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत स्पेशल टॉपिक लेके आई हूं। टॉपिक ही क्या, हम ये बोलें कि मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आई हूं। एक्चुअली नाम है हमारे चैनल का आइडियल मामा, बट हमने इसमें सारी बातें की हैं बेबीज़ के बारे में। तो मेरा जो ये मंथ है, ये पूरा सेप्टेम्बर मंथ, इस पर मैं आपको सारे मदर से रिलेटेड वीडियोज़ देने वाली हूँ। मदर अपनी केयर कैसे करें डिलीवरी के बाद, इस बारे में हम इस पूरी सीरीज़ में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब हमारा बेबी डिलीवर हम करते हैं, उसके बाद टोटली जो मदर्स होती हैं वो बेबी के लिए पूरा सेक्रीफाइस हो जाती हैं, अपने को बिल्कुल भूल जाती हैं अपनी केयर करना, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमें इन फ्यूचर में देखने पड़ते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप इस टाइम पे अपनी केयर नहीं करोगे तो फ्यूचर में आप अपने बेबी की भी केयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो जाएगी कि फिर आप बिल्कुल भी कुछ भी अपने बेबी के लिए नहीं कर पाओगे। तो आइए बात स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मेरा है कि डिलीवरी के बाद कैसे मदर्स अपनी केयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें मदर केयर की, तो जो सबसे पहली चीज़ है डिलीवरी के बाद, आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब सफाई, क्लीनलीनेस, एक तो है सराउंडिंग एरिया की, जहाँ भी आप रह रहे हैं उस एरिया की बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि क्या इस टाइम पर आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं कि थोड़ा सा भी अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपके अंदर जाएगा तो वो आपका बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। तो बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट में आप रहें, मच्छरों से बिल्कुल बच के रहें, बिल्कुल भी मॉस्किटोज आपको बाइट ना करें। दूसरी, ये तो एक्सटर्नल क्लीनिंग हो गई बात। और जब आप 3 से 4 दिन तक, अगर आपकी जो है सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो 4-5 दिन तक डॉक्टर नहाने को मना करते हैं, तो उसमें नहाना नहीं है, बट आपको स्पंज बाथ जरूर लेना है। मतलब बॉडी को अगर आप कुछ नहीं करें तो आप एक गीले टॉवल से एटलीस्ट बॉडी को क्लीन किसी से करवा लें। आप अपने घर वालों की हेल्प लें, अपने हस्बैंड की आप हेल्प ले सकते हैं इस टाइम पर। हस्बैंड कोई और करें ना करें, हस्बैंड आपकी जरूर केयर करेंगे, तो आपको उनसे केयर करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनसे केयर करवाइए, बिल्कुल सफाई रखिए। दूसरी चीज आती है इंटरनल क्लीनिंग। इंटरनल क्लीनिंग के लिए क्या है, मतलब जब हमारा बेबी डिलीवर होता है उसके बाद इंटरनली हमारे क्या बहुत ब्लड जो क्लॉट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उनको क्लीन करना बहुत जरूरी है। उनको क्लीन करने के लिए जनरली घी और गुड़ खाया जाता है, तो आप भी अपनी डॉक्टर से और अपने जो घर में बुजुर्ग लोग हैं उनसे एक बार बात करिए। जैसे हमारे यहाँ है कि गुड़ खाओ, घी खाओ, तो पूरा जो अंदर की जो गर्मी होती है, एक तरीके से कहते हैं जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो आप एक बार डॉक्टर से और अपनी जो भी बड़े लोग हैं घर में उनसे बात करके आप ये यूज़ कर सकते हैं। क्लीनलीनेस के बाद बात करते हैं अपनी बॉडी को हम कैसे एक प्रोटेक्ट और कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कवर करके रहें, बिल्कुल सर से लेके पांव तक आपको बिल्कुल कवर रखना है अपने आप को। कोई भी एरिया जो है आपका ओपन नहीं होना चाहिए। सर को आप दुपट्टे से किसी ऐसे बांध सकते हैं या फिर आप कैप लगा सकते हैं। आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, बिल्कुल आपको कवर रहना चाहिए हर टाइम, क्योंकि इस टाइम पर कहते हैं बॉडी बहुत वीक होती है, तो जो अगर कोई थोड़ी भी हवा लग जाती है तो बॉडी उसमें बॉडी के लिए दिक्कत हो सकती है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। फ्रेंड्स, इस टाइम पे हमारी बॉडी बहुत वीक होती है, चाहे हमारा सिजेरियन हुआ हो या हमारा नॉर्मल हुआ हो, तो बॉडी को स्ट्रांग करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए अपनी डाइट आपकी जो होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। डाइट में आपका घी आप जरूर से ज़रूर इंक्लूड करें, घी खूब ढेर सारा खाएं। इसके अलावा आपको दलिया खाना है, आपको फाइब्रस फूड लेने हैं, आपको लौकी की सब्ज़ी, लौकी यानी कि घिया जो होता है वो आपको खाना है। तो इन चीज़ों से अगर आप ये सब चीज़ें खाएंगे ना तो आप बहुत इंटरनली स्ट्रांग होंगे। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी क्या, पंजीरी और जो लड्डू बनते हैं वो आप खाएं। वो लड्डू बनाने के लिए क्या, उन लड्डुओं में ड्राई फ्रूट होता है, मखाने होते हैं, तो इन सब का मिक्सचर करके अगर आप बनाते हैं ना तो वो लड्डू क्या होता है, गोंद होता है, जो बहुत आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाता है। तो लड्डू ज़रूर खाएं आप, चाहे आपका सिजेरियन हो तो भी आप लड्डू खा सकते हैं, घी खा सकते हैं। मेरा सिजेरियन डिलीवरी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आपको खाने में सब कुछ खाना है, कुछ ऐसा नहीं कि ये चीज़ आप मत खाइए, बस हाँ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी जिनको बहुत कम अमाउंट में खाना है और कुछ चीज़ें जो आपको ज़्यादा अमाउंट में खानी है। ज़्यादा अमाउंट में खाने के लिए आपको दलिया, लौकी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप खाइए। इस दूसरी तरफ अगर आपके राजमा हैं, चने हैं, ऐसी चीज़ें जो गैस करती हैं अंदर, जो भारी होती हैं चीज़ें, हैवी होती हैं बॉडी के लिए, उनको आप बहुत कम अमाउंट में लें। फ्रेंड्स, अगली चीज़ है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, शुरू के एटलीस्ट अगर आपका सिजेरियन है तो 6 महीने तक आप कोई भी एक्सरसाइज करने की मत सोचिए। आप प्राणायाम धीरे धीरे कुछ सिंपल सा कर सकते हैं, बट ये मत सोचिए कि हमने शुरू से ही हमने वेट कम करना है और हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम तो हल्का कर सकते हैं, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, बॉडी आपकी पतले होने के बजाय आप और ज़्यादा इंटरनली वीक हो जाएंगे। तो 6 महीने तक ये मत सोचिए कि हमें वेट कम करना है और कुछ करना है। 6 महीने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी, अगर आपकी नॉर्मल है तो फिर आप 3 महीने के बाद ही एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं।
अगली चीज़ आती है कि अगर आपके स्टिचेस लगे हुए हैं नॉर्मल में या सिजेरियन में, तो स्टिचेस को आप प्रॉपर क्लीन रखिए। स्टिचेस की जो मेडिसिंस आपको दी हुई हैं लगाने के लिए, खाने के लिए, वो प्रॉपर आप खाते रहिए। अब मेडिसिंस की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी एक चीज़ है डिलीवरी के बाद सप्लीमेंट्स। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमें केवल 9 मंथ तक ही सप्लीमेंट्स लेने हैं। सप्लीमेंट मतलब कैल्शियम, आयरन, ये सब ले, प्रोटीन, ये सब लेना है। बट डिलीवरी के एटलीस्ट 6 मंथ बाद तक भी हमें कैल्शियम और आयरन तो खानी ही खानी चाहिए। आपको ये तो बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिए, बट आफ्टर 6 मंथ भी डिलीवरी के आपको क्या करना है, आपको कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स जो भी आपको डॉक्टर ने प्रोवाइड किए हैं सप्लीमेंट्स, वो आपको लेने हैं। इसके अलावा अगली हम बात करते हैं पानी। पानी इवेंट बहुत बीमारियों का, आपको पता है कि पानी पीना भी बहुत एसेंशियल है और पानी बीमारियों की जड़ भी है। तो आपको जो करना है हमेशा फिल्टर और बॉयल वाटर पीना है, और बॉयल में भी आपको क्या गुनगुना करके ल्यूक वार्म वाटर पीना है। पहले उसे बॉयल कीजिए, फिर उसे थोड़ा सा ल्यूक वार्म कर लीजिए, उसको पिए, तो उससे क्या आपकी हेल्थ सही रहेगी। अगली चीज़ है जीरा वाटर। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जीरा या अजवाइन वाटर भी आप पी सकते हैं। अजवाइन या जीरे का पानी पीजिए, इससे क्या है आपका जो मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ आपको ये पतला होने में भी, आपका जो वेट लॉस करने में भी आफ्टर डिलीवरी आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ टिप्स आफ्टर डिलीवरी केयर के बारे में। फ्रेंड्स, मदर्स अगर ठीक होंगी तभी आपके बच्चे की आप प्रॉपर केयर कर सकते हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और आगे आने वाले वीडियोज़ को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।